टाटा बिलासपुर पैसेंजर ट्रेन गुरुवार रात 9 बजे झारखंड के टाटानगर से बिलासपुर के लिए रवाना हुई। करीब 25 मिनट के सफर के बाद कोलकाता में जैसे ही ट्रेन घाघरा क्रॉसिंग पर पहुंची, जोरदार धमाका हुआ और इंजन के बाद की दो बोगियां पटरी से दूर जा गिरी। धमाके से पटरी भिड़ गई, जिससे पीछे के 6 डिब्बे पटरी से उतर गए। धमाके की गूंज दिल्ली पहुंचते भी देर नहीं लगी। रेल मंत्री ने इस हमले के लिए नक्सलियों को जिम्मेदार ठहराया और हर बार की तरह इस बार भी मुआवजे के ऐलान में कोई देर नहीं की। रिपोर्ट इज नक्सल उसको तो 5 लाख रुपया उसको देते हैं हम लोग, और जो 1 लाख जो सीरियस इंजर्ड है उसको हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट बनाया, सब रेलवे करेंगे, सबको देख लेंगे पूरा से, और जो माइनर इंजरी है थोड़ा से कुछ भी नहीं हुआ उसको लिए भी 10,000 करके। नक्सलियों ने रेलवे की पटरियां पहली बुलाई है। स्टेशनों पर नक्सली हमले भी अक्सर होते रहे हैं, लेकिन ये पहली वारदात है जब उन्होंने ट्रेन को सीधे निशाना बनाया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल में कई घंटों तक नक्सलियों ने राजधानी एक्सप्रेस को रोके रखा था और सरकार कुछ नहीं कर पाई थी। बावजूद इसके सरकार इस तरह के नक्सली हमलों से ट्रेन यात्रियों को बचाने में बेबस नजर आ रही है। लेकिन बातों नहीं है, बात है रेलवे बिकेम द सॉफ्ट टारगेट। नक्सली संगठन अपने खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को बंद करने और झारखंड में चुनाव बहिष्कार के लिए दहशत का माहौल बना रहे हैं। गुरुवार को नक्सली ने झारखंड के महादेवशाल और गोयलखेड़ा के पास भी रेलवे ट्रैक उड़ाया था। इन्हीं मांगों पर दबाव बनाने के लिए नक्सलियों ने आज यानी शुक्रवार को बंद का ऐलान भी पहले से कर रखा था, लेकिन जिस तरह से टाटा बिलासपुर पैसेंजर ट्रेन को निशाना बनाया गया वो रेलवे और सरकार को सीधी चुनौती है। रांची से संजय सहाय के साथ श्रेया गुप्ता, जी न्यूज दिल्ली। 2 people were killed and 40 injured when 8 coaches of the Bilaspur Tatanagar Express train derailed after Maoists blew up a stretch of railway track in Jharkhand's West Singbhum district. Maoists blasted the tracks just as the train was passing through, leading to its derailment. The blast hit the train between Manoharpur and Poisatia stations near Chaibasa in Jharkhand. Officials say that 2 passengers died on the spot and all those injured have been rushed to Rourkela for treatment. From 12 o'clock they called a bomb. This Naxalite means the people, whatever you have seen. But they did it 9 o'clock. And that route is a very important route, Jharkhand route. If you go to Madhya Pradesh or if you go to Mumbai or any other important place. So every time, every month, every week, some incidents are happening because of these activities. It's 321 up Tata Bilaspur passenger while it passed Poisatia station, a station called Poisatia at about 9:05, and we got the information at about 9:20 p.m. That this train has derailed between Poisatia and the next station, which is Manoharpur. And the information that we got is that there was a blast in front of the train, in front of the engine, as the train was passing. And due to that blast, out of 10 coaches, 8 coaches have derailed.